Clases, hermano, va por macha, ¿no? Adapta next lecture paper 16, lecture function analysis sky paper 8. ¿Ok? Ahora, next question de aquí, ¿por qué? Question is state and prove lemma of f is as. ¿Apco? Lemma को प्रूफ करनी है और स्टेटमेंट भी देनी है. ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2014 में, क्वेश्चन नंबर 5 का है, 16 में भी 4 का है और 19 में 7 का है. ठीक है, तो कंटेंसली पूछा हुआ है. ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है. अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, कोई आपका लेट एम बी अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ द नॉर्म लिनियर स्पेस नॉर्म्ड लिनियर स्पेस, ठीक है, एंड लेट ए बी आर रियल नंबर, ए आपका रियल नंबर होगा इस तरह से, सच दैट. अब यहां देखिए जो ए की वैल्यू होनी चाहिए इस तरह से कुछ, तब आपको एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, ठीक है, एक्स ए बिलोंग, ये बिलोंग करेगा आपको एन में, सच दैट, ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स ए ये होगा वन एंड नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स ए इट विल बी ग्रेटर इक्वल टू ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स, ठीक है. एम इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ. ओके, अब इसका प्रूफ वाला पार्ट में आइए. चलिए इसके लिए सबसे पहले गिवन क्या है, सो देखिए सिंस एम जो है आपका इज अ प्रॉपर सब स्पेस, पहले जो गिवन उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, ऑफ एन, देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, तब एग्जिस्ट करेगा कोई वेक्टर आपका अ वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए एक्स वन बिलोंग्स एन माइनस, ठीक. अब आइए नाउ लेट नेक्स्ट पार्ट, आगे डी जो है आपका इसको मान लेते हैं इन्फिमम ऑफ एक्स बिलोंग्स एम नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये हो गया आपका डी ऑफ एक्स और एम की वैल्यू, इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब बताइए इसके बाद क्या होगा, देन डी है आपका ग्रेटर देन जीरो फॉर अदरवाइज. अब बताइए इफ डी इक्वल टू जीरो तो देन क्या होगा, डी ऑफ एक्स एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है. अब यहाँ देखिए एक्स वन आपका कहाँ बिलोंग करेगा, एम, जो कि क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, क्यों है, सो सिंस ए की वैल्यू ये है, यहाँ से क्या मिला, वी हैव डी बाई ए जो होगा लेस देन क्या होगा डी. ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ इन्फिमम के डेफिनेशन से अपने पास क्या आ गया, हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम क्या होगा, देयर एग्जिस्ट
x0 belong M such that d जो होगा आपका less than x0 minus x1 d by a, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए लेट x a मान लीजिए आप k of x 1 minus x 0, जहाँ पे आपका k की वैल्यू क्या है, वेयर k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस x 0, यहाँ पे x 1 माइनस x 0 है जो कि ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर यहाँ तक? ओके ना, अब बताइए यहाँ पे सिंस आपका x1 बिलोंग कर रहा n माइनस m में और x0 कहाँ बिलोंग कर रहा, m में। ठीक है, सो दैट x1 क्या होगा, नॉट इक्वल टू x0। तब बताइए देन क्या होगी, नॉर्म ऑफ xd इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं a पार्ट। ठीक है, अब मान लीजिए नाउ लेट एक्स बिलोंग से हम मान लेते हैं, देन क्या होगा आपका के इनवर्स एक्स प्लस एक्स जीरो भी कहाँ बिलोंग करेगा, एम में। यहाँ से एक और बात कह सकते हो, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स ए जो है जो हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स 0 पूरे का होगा नॉर्म, इसको इक्वल टू सॉल्व करोगे तो इट विल बी के ऑफ नॉर्म के इनवर्स एक्स प्लस एक्स 0 माइनस एक्स 1 ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा के इंटू डी, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। क्लियर, अब बताइए यहाँ पे एक बात तो आपको पता है बट क्या, कि डी जो है इट इज डी अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स 0 ग्रेटर इक्वल्स टू ए, इसको मान लीजिए 4। अब यहाँ बताइए आपको थर्ड और फोर्थ से क्या मिलता है, सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर वी गेट क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स ए ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो गया ए, ये आपका बी पार्ट। ध्यान से देखिए आपका दोनों पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया, पहला ए वाला पार्ट ये था एंड सेकेंड वाज दोनों हो गया। क्लियर, यहाँ फाइनल कर लिखो गए हैंस द थ्योरम, हैंस द थ्योरम। ठीक है, इसको देख लीजिएगा फिर से, लास्ट पार्ट ये रहा फर्स्ट और फोर से ना, ये दोनों पार्ट आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे प्रूफ कर दिए। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए ये रहा एंड ये दो पार्ट, ओके दिस एंड दिस। तो ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, और अगले लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके।